रात्रि विश्राम नहीं, रात्रि प्रवास, और ये पहली बार नहीं हुआ है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने पिछले टेन्योर में भी प्रत्येक विधानसभा में भी एक एक दिन का और रात्रि का प्रवास किया है, और अभी भी वहां जाने के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, आपको आश्चर्य होगा इस देश में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में जो औसत अनुसार जो जिले हैं औसत रेट से कहीं नीचे है तो उनको विशेष रूप से आकांक्षी जिले मानकर उनको बराबर लाने के लिए अलग से योजनाएं दी गई, अलग से प्रयास किए गए, और आकांक्षी गांव थे जो कहीं कहीं औसत रेट से बहुत नीचे थे उनको प्रधानमंत्री आदर्श गांव में लिया गया ताकि उनकी चाहे कोई भी समस्या है कोई भी डेवलपमेंट का काम है तो अन्य गाँव की तुलना में वो बराबर आ सके, ऐसे प्रयास किए गए। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हर व्यक्ति को शौचालय, हर व्यक्ति को आवास, हर व्यक्ति को बैंक का खाता, हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड, हर व्यक्ति को गरीब आदमी को अनाज, इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आज किसी के घर में कनेक्शन नहीं है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में मुफ्त में ना सिर्फ बिजली का कनेक्शन देना बल्कि बिजली का बल्ब भी केंद्र सरकार लगा के देती है। तो ये मैं सोचता हूँ वहाँ जाने के पीछे ध्येय ये कि हम सब लोगों का गांव के लोगों से मिलना, गांव के लोगों से बातचीत करना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनके बारे में चर्चा करना, और आगामी दिनों में और क्या रोड मैप हम लोगों के हाथ पे काम ले हाथ में लेना है, ये बहुत विस्तृत रूप से इसकी परियोजना बनी है। बाबा बालकनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको एक लोकसभा देखिए, देश की जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर। तो कहीं कहीं पिछले लंबे समय से देखेंगे हम लोग तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से चूंकि एक परिवार की पार्टी बन चुकी है, नेशन फर्स्ट को लेकर देश को लेकर कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी, और उस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबका विश्वास मोदी जी के प्रति।